जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। IEM IU की तीसरी वीडियो को लेकर के चलते हैं। इस तीसरी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बोला क्या जा रहा है 10 साल पहले, कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो बात कर लेते हैं 10 साल पहले यानी कि माइनस कितना होगा, 10 वर्ष माइनस यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर। तो 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की कितनी गुनी थी, 10 गुनी। तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर सी एक था तो बी 10 गुना होगा, सी एक था तो बी 10 गुना होगा। बी की उम्र सी की उम्र की कितनी गुनी थी, 10 गुनी थी। यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, यदि उनकी वर्तमान अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान की, किसकी वर्तमान की, आप देखो ध्यान से क्या अनुपात है, 4:1। तो वर्तमान में 4:1 था और बी और सी की उम्र 10 गुनी थी। कब थी, 10 साल पहले थी, कितने साल पहले, 10 साल पहले। अब यहाँ पे आप देखो क्या आपको इनका जो है अंतर बराबर दिख रहा है क्या, ये वाला, आप बोलोगे कि बराबर तो नहीं दिख रहा है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बराबर करने के लिए हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम अंतर देखेंगे ये वाला, ये अंतर कितने का है, आप बोलोगे कि भाई 3 का है। ये अंतर कितने का है, आप बोलोगे कि 9 का है। तो ये अंतर को कैंसिल आउट कर लो पहले, तो 3 एकम 3, बड़ा क्यों हम लिखे, 3 3 9, मतलब 1 का इंटू इसमें भी होगा, 1 का इंटू इसमें भी होगा, उसके बाद 3 का इंटू इसमें भी होगा, उसके बाद 3 का इंटू इसमें भी होगा। तो कर लेते हैं हम, तो जब 1 का इंटू हम ऊपर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 एकम 10 और 1 एकम 1। जब 3 का इंटू नीचे करेंगे इधर 4 में, तो 3 चुके 12 और 3 एकम 3, ये रेशो बना। आप देखना देखोगे कि अंतर कितने का आ गया, 2 का। आप देखने वाले हो कि अंतर कितने का आ गया, 2 का। आप देखो यहाँ वर्तमान समय था और ये 10 साल पहले था, तो इनमें अंतर कितने का है, 10 साल का है, कितने का है, 10 साल का। तो आप देखो कि 2 की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। नीचे अनुपात होता है और ऊपर वर्षों की संख्या आती है। 2 की वैल्यू 10 हो गई। फिर पूछा गया बी की वर्तमान आयु क्या है, आप मुझे बताओ बी जो था, बी तो ये था, क्या था, बी तो ये था, तो बी कितना था, 12 था, 12 वर्तमान आयु थी उसकी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 12, तो आप देखोगे 2 6 12 और 6 × 10 में करोगे कितना जाएंगे, 60 वर्ष। यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ो और बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी, तो ये 6 साल पहले, तो मैंने क्या लिख दिया, -6 वर्ष, क्या लिख दिया, -6 वर्ष। ये ए है और ये बी है, तो ए की उम्र बी की कितनी थी, दुगनी थी, कितनी थी, दुगनी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात, तो मैं बात करूंगा फिर ये हम वर्तमान आयु का अनुपात, किसकी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3, कितना है, 4:3। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आप देखो कि अंतर कितने का है, 2 का। अंतर कितने का है, 2 का। तो इस बार तो अंतर हमारा सेम आ गया, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। वर्तमान में और 6 वर्ष में अंतर कितने का है, 6 वर्ष पहले में, तो आप बोलोगे कि भाई 6 का अंतर है। तो 2 की वैल्यू कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है, 2 की वैल्यू कितनी बताई गई है, 6। और बी की आपको वर्तमान आयु बताना, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो 4 से इंटू कर दूंगा मैं, किस से इंटू कर दूंगा, 4, तो 2 3 6। और जब 3 × 4 में होगा कितना जाएगा, 12, तो बी की वर्तमान आयु कितनी जाएगी, 12 साल। यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गए, तो हम बढ़ गए तो अब अगला क्वेश्चन भी आप देख लो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख सकते हो आप। तो इसने और उसके पिता, तो मैंने लिख दिया भाई इसने और उसके पिता को भी लिख दिया, ये पिता है। तो इसने की उम्र उसके पिता की उम्र का, तो आपको मैं बता दूं का की से, अगर ये तीन शब्दों वाली जहाँ आती है वो पहुँचता है बटे के नीचे। कौन किसके नीचे पहुँचता है? बटे के नीचे पहुँचता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। तो ये तीन शब्दों वाली का की के और से, ये जो शब्दों वाली है ये कहाँ पहुँचेगी? बटे के नीचे पहुँच जाएगी। तो पिता की उम्र का, तो का किस में लगा है? पिता की उम्र, तो यानी कि बटे के नीचे पहुंच गई छः, तो छः बटे के नीचे यानी कि वो किसकी होगी? पिता की। और ऊपर किसकी होगी? इसने की होगी। किसकी होगी? इसने की होगी। 10 साल बाद इसने के पिता की उम्र विमल की उम्र की दूनी हो जाएगी, तो यहाँ एक विमल होगा, अगर विमल एक का है तो उसके पिता कितने के हो जाएंगे? दुगुने के। लेकिन कितने वर्ष बाद होंगे? आप बोलोगे कि भाई 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद होंगे। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, भाई 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना था, तो अभी वर्तमान में विमल कितने का होगा? 10 का होगा। कितने का होगा? 10 का होगा, वर्तमान में 10 का होगा। लेकिन उसने बोला क्या है कि 10 साल बाद इसने के पिता की उम्र विमल की दुगनी हो जाएगा। तो 10 साल ये तो वर्तमान का है, वर्तमान में कितने में जी रहा है? वो 10 में है। लेकिन 10 साल बाद, तो अगर इसमें मैं 10 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 20। इसमें अगर मैं 10 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझो, अगर ये 20, एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। लेकिन ये 40 जो आया है ये कब का आया है? आप बोलोगे 10 साल बाद का आया। एक बार फिर समझो कि इसने एक था तो उसके पिता 6 थे, वो लगाए 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद इसने के पिता विमल की उम्र का दुगना हो जाएगा। तो विमल अगर एक का है तो विमल के जो इसने के पिता वो दुगने हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? 10 साल बाद। कब होंगे? 10 साल बाद होंगे। तो आप ध्यान समझो कि अगर 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो वर्तमान में कितने का होगा? 10 साल का होगा वो। तो 10 साल के बाद 10 साल जोड़ना है, तो 10 में 10 प्लस कर दिया, कितने होगा? 20। अभी 20 उम्र हमें मिली है, वो 10 साल बाद की मिली है। तो अगर ये 20 का तो ये 40 का होगा। लेकिन ये 40 क्या है? ये जो वर्तमान का था, ये अनुपात किसका था? वर्तमान का था। ये अनुपात किसका था? वर्तमान का था। और ये अनुपात किसका था? 10 वर्ष बाद का था। तो 10 वर्ष बाद पिता 40 के हैं, तो आप मुझे बताओ वर्तमान में कितने होंगे? तो 10 माइनस कर देता हूँ मैं। अगर 10 में माइनस करूँगा तो ये जो भाई साहब है वो बन जाएंगे 30 के। कितने के? 30 के। तो आप मुझे बताओ कि 6 में किसका इंटू हुआ? आप बोलोगे कि भाई 5 का इंटू हुआ। तो क्या इसने में एक है तो इसमें भी 5 का इंटू नहीं हो जाएगा क्या? तो इसने की जो वर्तमान आयु होगी वो कौन सी होगी? 5 वर्ष होगी। वो कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। यानी कि 4th नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन को फिर देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। चलो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, मतलब वर्तमान। तो ये पिता होगा, क्या होगा? ये पिता होगा और ये पुत्र है। कितने गुनी है? 5 गुनी। अगर पुत्र एक का होगा तो पिता 5 का होगा। ये कैसी है? वर्तमान की है। कैसी है? वर्तमान की है। 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 वर्ष, प्लस 10 वर्ष, 3 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र एक का है तो भाई पिता कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। कब? लेकिन 10 वर्ष बाद।
तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि या तो आप इसके सॉल्यूशन मतलब इसके इसको सॉल्व करने के तीन चार तरीके हैं, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ अभी। मैं आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, कोई MCQ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ अभी अभी मैं अभी लैंग्वेज के थ्रू हूँ, लैंग्वेज के ही हिसाब से, लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा हूँ। जब हम एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस हमें अलग से करना होगा, तो उसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमें लैंग्वेज को समझ लेना चाहिए, उसके बाद में उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, क्योंकि कर देंगे फिर हम, लेकिन अभी लैंग्वेज के हिसाब से क्या अंतर सेम है क्या इनमें? आप बोलोगे कि नहीं है अंतर सेम, तो जब अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करना होगा, जब अंतर सेम नहीं है अंतर सेम करना होगा। इसमें कितने का अंतर है? आप बोलोगे कि दो का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? फिर आप बोलोगे कि चार का। कैंसिल आउट करो, दो एकम दो, दो दूने चार, तो दो का इंटू कहाँ होगा? नीचे होगा। दो का इंटू कहाँ होगा? नीचे। और एक का इंटू ऊपर करोगे कोई मतलब नहीं होगा, एक का इंटू। तो जब इसका नया रेशो क्या बन जाएगा? तीन दूने छः और तीन एकम तीन, ये नया रेशो बना। आप देखो अब अंतर सेम आया कि नहीं आया। आप बोलोगे अंतर सेम अब तो आ गया है, अंतर सेम अब तो आ गया है, दो दो का अंतर आ गया, दो दो का अंतर आ गया। अब आप ध्यान से समझो, ये वर्तमान है और ये 10 साल बाद है। अंतर कितने का है? 10 का है। तो ये 10 है और 10 की वैल्यू कितनी है? 2। निकालना किसकी है? दोनों की ही आयु निकालना है आपको। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार जाएगा। ये आपको ध्यान समझना होगा, आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझना होगा। तो क्या पूछा है? तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, दोनों की क्या करना है हमें? वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। यहाँ फिर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे 2 का इंटू करना था। किसका इंटू करना था? 2 का। अंतर कितने का होगा? 1 का। अंतर कितने का होगा? 1 का अंतर होगा। यहाँ भी 1 का अंतर, तो यहाँ पे इसको तो मैं बिठा ही रहा हूँ। अंतर 2 का था ना, अंतर 1 का था ना कि 2 का। तो देखो आप फिर से, तो भाई अंतर तो यहाँ 10 वर्ष का है और 10 की वैल्यू कितनी देके रखी? 1। तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। अब क्या बताना है? वर्तमान बताना है। तो 1 की वर्तमान तो हमारी ये वाली है, वर्तमान तो कौन सी वाली है? ये वाली है। तो आप ध्यान से समझो कि 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो पिता की उम्र तो 50 हो गई। 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो भाई हम बोल सकते हैं कि पुत्र की वैल्यू 10 है और पिता की वैल्यू कितनी है? 50। तो 10 और 50 किस में देके रखा है? तो 10 और 50 थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको देके रखा है। 10 और 50 पहले पुत्र है फिर पिता है, तो 10 और 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो ये राम हो गया है मतलब वर्तमान है, तो ये वर्तमान हो गया, व लिखूँगा मैं डायरेक्ट ही वर्तमान। ये राम है और ये राम के पिता है, ये राम के पिता है। कितनी गुनी है? 4 गुनी है। तो अगर राम 1 का है तो उसके पिताजी कितने गुने हो जाएंगे? 4 गुने। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ 5 वर्ष पहले देख लेते हैं। -5 वर्ष, तो 5 वर्ष माइनस क्या वर्ष बता रहा है? कि पहले को बता रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी, उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके पिता की आयु की 9 गुनी, सॉरी उसके पिता की आयु राम की आयु की उस समय यानी कि 5 वर्ष पहले की आयु की कितनी गुनी थी? 9 गुनी। तो ये राम अगर 1 का है तो यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, पहले तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा पहले। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर राम 1 का था, राम 1 का था तो उसके पिता 9 के थे। आप देखो अंतर तो सेम आ नहीं रहा है, तो हम अंतर सेम करेंगे।
अंतर कितने का है यहाँ पे? 8 का। यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। तो 8 का इंटू इसमें होगा, 8 का इंटू इसमें होगा, और देख लें आगे, 3 का इंटू इसमें होगा, 3 का इंटू इसमें होगा। तो 8 का इंटू हम यदि करेंगे तो क्या होगा? 8 एकम 8 और 8 चुके 32। ये है वर्तमान। ये कौन सी आयु है? वर्तमान। और 5 साल पहले की आयु अब निकलेगी, 5 साल पहले की आयु अब निकलेगी। 3 का इंटू का 3 एकम 3 और 3 नाम है 27, 3 नाम है 27। आप देखो अंतर कितने का? 5 का। अंतर कितने का? 5 का। वर्तमान और 5 वर्ष पहले में अंतर कितने का? 5 का। 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी। 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी। तो क्या पूछा है? राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। राम की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु थी तो 1 की वैल्यू 1 है तो 8 की वैल्यू 8 होगी, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अब। चलो देखो इस क्वेश्चन को। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना आप, कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। तो अगर मैं ये वर्तमान आयु की बात करता हूँ तो वर्तमान आयु क्या है? ये पुत्र है और ये पिता है, ये पिता है। तो ये 1 का है तो ये 3 का होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें 3 वर्ष एक्स्ट्रा हैं। इसमें क्या है? 3 अनुपात तब बनेगा लेकिन जब इसमें 3 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा। 3 वर्ष एक्स्ट्रा तो मैं यहाँ पे इस पेन से लिख रहा हूँ, 3 वर्ष एक्स्ट्रा। इस 3 को जो है ना, ये वर्ष है और नीचे वाले जो 3 है वो क्या है? वो जो है ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। और वो ऊपर वाला क्या है? वर्ष है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। भैया अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये कितना अधिक हो जाएगा? 10 अधिक हो जाएगा, 10 वर्ष अधिक होगा। तभी क्या होगी यहाँ पर? दुगने से 10 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? दुगने से 10 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष बाद? आप बोलोगे कि भाई 3 वर्ष बाद। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ही लेंथी आपका होने लग रहा होगा। तो हम इसको इस प्रकार से नहीं करने वाले। इसको क्या है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। मैं पहले एक बार लैंग्वेज को कंप्लीट कर लेते हैं हम, उसके बाद हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करो तो आपका बेनिफिट रहेगा टाइम में, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है टाइम का। और हमें टाइम ही आपको क्या करना है? सेव करके रखना है। आप देखो कि थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि पहले क्या दिया है? पहले पिता दिया है, फिर क्या दिया है? पुत्र। और यहाँ पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आप मुझे बताओ कि पिता पहले होगा, तो पिता पहले होगा तो पिता हमेशा पुत्र से बड़ा रहता है। तो पिता अगर पहले होगा तो ये 15 वर्ष छोटा हो गया लास्ट से, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि पिता को हमें पहले लेना है, पिता को हमें पहले लेना है। और पिता की आयु बड़ी होगी भाई पुत्र से, तो ये 9 है, 9 छोटा हो गया 30 से पहले, तो ये भी गलत हो गया। 20 छोटा हो गया 48 से, ये भी गलत हो गया। तो 33 बड़ा है किससे? 10 से। तो 33 बड़ा है 10 से, तो हमारा यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन, ही हमारा राइट आंसर है। देखो हमने कितनी जल्दी कर दिया। नहीं तो आप एक चेक करके देख सकते हो, आप तो इसको ऐसे भी नहीं तो ऐसे देख सकते हो। अगर पिता 33 का है तो पुत्र कितने का होगा? 10 का है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है।
तो क्या आप मुझे बताओ, 10 या 30 होते हैं क्या? 3 × 3 अधिक है क्या? तो 10 या 30 होते हैं और 3 वर्ष भी अधिक है, यानी कि ये भी यहाँ सेटिस्फाइब हो रहा है। फिर क्या बोला, 3 वर्ष के बाद ये 13 का हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद ये 36 का हो जाएगा। फिर क्या बोला, 2×10 अधिक है क्या? 13×2=26, 26 से 10 अधिक है क्या? आप बोलोगे है, तो इससे भी आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, यानी कि एक नंबर इनके फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शनों से सारे क्वेश्चनों को क्या है, धड़ाधड़ हम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज को समझना होगा पहले। तो हम लैंग्वेज को प्राथमिकता पहले देते हैं, फिर MCQ करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। SSC CGL मेंस के क्वेश्चन करेंगे, SSC के क्वेश्चन करेंगे, MTS के क्वेश्चन करेंगे, CDS के क्वेश्चन करेंगे, बाकी MP में जितने भी एग्ज़ाम हुए, MPSI, पटवारी, MP पुलिस, इनके सबके हम क्वेश्चनों को बारी बारी से हम करते रहेंगे। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से के 3×3 वर्ष अधिक है। ये फिर डबल से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आप। सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र, सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। सुधा की माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो, सुधा प्लस उसकी माँ, तो ये सुधा प्लस उसकी माँ, इन दोनों की आयु का योग अगर मैं बात करूँगा तो कितने होंगे, 63 वर्ष। कितने होंगे, 63 वर्ष होंगे। कितने होंगे, 63 वर्ष। ये 63 वर्ष यहाँ पे होंगे। बोला गया 4 साल बाद, 4 साल बाद सुधा उसकी उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो ये अगर एक है तो उसकी माँ कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। लेकिन कब होगी, 4 साल बाद होगी। तो ऑप्शन यानी सॉरी अनुपात हमारा किसका है, अनुपात हमारा 4 वर्ष के बाद का है। तो आयु को भी 4 वर्ष बाद लेके चलें हम, आप बोलेंगे बिल्कुल लेके चल सकते हो, आप बोलेंगे बिल्कुल लेके चल सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, 4 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले है, यहाँ मैंने बात कर दिया, 4 साल पहले है, 4 साल पहले। इसको मैं माइनस कर दूं, उसमें क्या दिक्कत है, माइनस कर देते हैं हम। तो ये 4 साल पहले क्या है, 4 साल पहले, अरे इतना बड़ा हो गया ये, इसको सबसे पहले बात तो छोटा करते हैं, ये बहुत डार्क हो गया है, ये बहुत डार्क हो गया है। तो कितने, 4 साल पहले, चलो ये इतना ही रहने दो, क्या करें, चार साल पहले ये माइनस है और ये 4 साल पहले। तो 4 साल पहले का अनुपात क्या था, ये था 1:4। तो हम अनुपात हमें 4 साल पहले का दिया है, तो हम क्या लेके चलेंगे, आयु को भी 4 साल पहले लेके चलेंगे। तो 4 इसमें से कम हुआ होगा, 4 इसमें से कम हुआ होगा, दोनों में से कितने कम होगा, 8। अगर 63 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 55 बचेंगे। कितने बचेंगे, 55। आप ध्यान से समझो कि 55 किसकी वैल्यू है, सुधा और उसकी माँ की। तो 1 और 4 कितने होगा, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 11 हुई। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 11 हुई। 1 की वैल्यू 11 हो गई, 1 की वैल्यू 11 हो गई। क्या पूछा है, तो सुधा की माँ की उम्र कितनी है, तो कब की बताना है, वर्तमान बताना है, इसलिए क्या है, वर्तमान बताना है, होगी मतलब क्या, भविष्यकाल थी मतलब भूतकाल। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 11। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 44, क्योंकि 11 का इंटू यहाँ पे मैंने कर दिया, कितनी हो गई, 44। आप मुझे बताओ ये कितने साल पहले की निकली, लेकिन ये आयु 4 साल पहले की, तो उसके लिए मुझे 4 साल प्लस कर देना होगा, तो कितने होगा टोटल, 48 साल। तो सुधा की माँ की उम्र कितनी है, 48 साल है। कितनी है, 48 साल। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 है, अगर अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत, ये औसत का क्वेश्चन है, लेकिन औसत का भी है और आयु का भी, ये बताना अध्यापक की आयु कितनी है। तो ये औसत का भी है और आयु का क्वेश्चन भी ये है, तो यहाँ पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं लेकिन इसको औसत में, इसके लिए मैं अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। औसत के लिए मैं इसको अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, कहाँ बताऊँगा, एवरेज औसत में ही बताऊँगा। लेकिन हम यहाँ पे आयु के हिसाब से काम करते हैं। तो एक कक्षा में 40 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 40, और उनकी प्रत्येक की औसत आयु कितनी है 15, तो 15 का इंटू कर देंगे तो 15 चूँकि कितने हो जाएंगे 60, कितने हो जाएंगे 60, यानी कि 600 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 600। अगर अध्यापक की आयु भी, तो 40 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति और प्लस हो गया, एक व्यक्ति और प्लस हो गया, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अब कितने व्यक्ति हो गए, 41 व्यक्ति हो गए। लेकिन औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। 40 अब 15 नहीं कर रहे करके कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16। तो 16 एकम 16 के 6 बज गए कितने, 16 चुक 64 और 1 कितने होगा 65। आप ध्यान से समझो कि 600 और 656 में अंतर कितने का है। आप बोलोगे कि 56 का है, ये 56 अंतर क्यों आया, क्योंकि उसमें एक अध्यापक भी शामिल हुआ था, उसी अध्यापक की उम्र कितनी है 56 है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 56। तो अब देखो आप ये 24 नंबर का क्वेश्चन, आप ये 24 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा होगा, हो जाएगा, जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था, उसकी वर्तमान आयु क्या है। आपको ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन तो आपसे ही करवाऊंगा मैं, और आप ही इसका सॉल्यूशन करके ऑप्शन ना दे करके आप डायरेक्ट आंसर देना, 20 वर्ष है कि 30 वर्ष है कि 25 वर्ष है कि 40 वर्ष है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही देना है, मैं आपसे ही करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करने में देर ना करिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में छाप करके अपना आंसर सर्वप्रथम दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको देना ही होगा, कौन से मैंने आपको जो बोला है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको देना ही होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ आपको। 5 वर्ष पहले पीत था क्योंकि औसत आयु 15 थी, और देखते हैं 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले थी, किस किस की थी 5 वर्ष पहले, पी जाता है क्यू क्यू होता है, तो पी और क्यू, तो पी और क्यू कितने व्यक्ति हो गए 2 व्यक्ति हो गए, और 15 वर्ष हो गए, और 15 दून कितने होगा 30 हो गए, 15 दून कितने होगा 30 हो गए, तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया 30 हो गया, दोनों की आयु का योग कितना हो गया 30 हो गया, किस किस का, पी का और क्यू का, पी का और क्यू का, पी का और क्यू का योग कितना हो गया 30 हो गया। पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु कितनी है 20 है, तो ये आप ध्यान से समझो कि कितने वर्ष पहले की बताई थी, ये बताई थी 5 वर्ष पहले की बताई थी, कितने वर्ष पहले की बताई थी 5 वर्ष पहले की आपको आयु बताई थी। तो भाई वर्तमान जो है पी क्यू और आर, इन ये 3 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति, और तीनों की वर्तमान औसत आयु कितनी बताइए, वर्तमान औसत आयु 20 बताइए, कितनी बताइए 20। आप देखो ध्यानपूर्वक कि 20 थी कितने हो गए 60, तो वर्तमान तीनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष, वर्तमान तीनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, कितना है 60 वर्ष। और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था पी प्लस क्यू की आयु का योग, आप बोलोगे 30 वर्ष का था, कब 5 वर्ष पहले, तो मैं वर्तमान पे आ जाता हूँ, तो 5 इसमें प्लस हुए होंगे 5 इसमें प्लस हुए होंगे, दोनों में 5 प्लस हुए 10 प्लस हो गए, तो 30 में मैंने 10 प्लस कर दिए, तो 30 में 10 प्लस कर दिए तो कितने होगा टोटल अब 40। तो पी प्लस क्यू की जो आयु का योग है वो कितना हो गया वर्तमान का 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। तो क्या पूछा है इसने, आर की 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, देखो पी प्लस क्यू का है तो कितना हो गया 40 हो गया, पी प्लस क्यू का कितना हो गया 40, और तीनों का कितना था 60, तो 60 और 40 का अंतर कितना है 20 का है, कितने का है 20 का है। आप ध्यान से समझो कि ये जो वर्तमान आयु जो है किसकी, आर की, कितनी है, आप बोलोगे कि 20 है, कितनी है 20, लेकिन इसने पूछा कब की है 10 वर्ष बाद की, तो मैंने 10 वर्ष प्लस कर दिया, तो 20 में 10 वर्ष प्लस के कितने होगा 30, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आयु का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में। जय हिंद जय भारत।